राघव लॉरेंस की फेमस फ्रेंचाइजी कंचना का हर नया पार्ट फैंस को नई एंटरटेनिंग कहानियों और हंसी से भरपूर अनुभवों से रूबरू कराता है। अभी सीरीज की चौथी कड़ी कंचना 4 आ रही है और इस बार एक नए चेहरे की एंट्री हुई है, पूजा हेगड़े। पूजा हेगड़े जो हिंदी सिनेमा में अपनी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं, इस बार कंचना 4 में उनके लीड के लिए बातचीत चल रही है। पूजा हेगड़े की एंट्री ने कंचना 4 को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है। अगर पूजा इस फिल्म को साइन करती है तो ये उनके और राघव लॉरेंस की एक साथ पहली फिल्म होगी और पूजा हेगड़े की एंट्री से इस फिल्म को एक नया रूप मिलने की उम्मीद है। पूजा के बारे में कहा जाता है कि वो इस रोल के लिए काफी एक्साइटेड है। पूजा हेगड़े की फिल्मी पहले से ही काफी भरी हुई है। उनकी आने वाली फिल्म देवा 14 फरवरी 2025 को रिलीज होगी, जिसे लेकर फैंस एक्साइटेड हैं। इसके अलावा सनकी और सूर्या 44 जैसी फिल्में भी लाइन में हैं। इन फिल्मों के बीच कंचना 4 में हॉरर कॉमेडी की चुनौती लेना उनके करियर के लिए एक नया और रोमांचक मोड हो सकता है। ये पहली बार होगा जब वो किसी हॉरर कॉमेडी फिल्म में नजर आएंगी। फिलहाल कंचना 4 के प्रोडक्शन शेड्यूल में थोड़ी देरी हो गई है। पहले प्लान बनाया गया था कि सितंबर में फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी, लेकिन प्री प्रोडक्शन कामों के चलते इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस देरी के बावजूद फिल्म के जल्द ही फ्लोर पर जाने की उम्मीद है। फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। इस फिल्म में और भी स्टार्स के शामिल होने की संभावना है। इस बजट के साथ फिल्म में प्रोडक्शन वैल्यू और शानदार विजुअल्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे जैसे कंचना 4 की रिलीज की तारीख नजदीक आ रही है, फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ती जा रही है। फैंस इस नए पार्ट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और वो देखना चाहते हैं कि इस बार राघव लॉरेंस और पूजा हेगड़े के एक साथ आने से इस फ्रेंचाइजी में कौन से नए रोमांचक मोड़ देखने को मिलेंगे। राघव लॉरेंस ने पहले ही कंचना फ्रेंचाइजी में अपने अनोखे और मनोरंजक अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लिया है। कंचना 4 हॉरर और कॉमेडी दोनों के फैंस के लिए एक रोमांचक और मनोरंजक फिल्म साबित हो सकती है। वैसे क्या आप भी कंचना 4 को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? और आपको इसके बाकी के तीनों पार्ट्स में से कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।